सही है ना, फ्री का खाना इसलिए अच्छा मत बोलना। आप देख सकते हो मेन्यू क्या चार्जेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर 2023 का आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आई होप ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं हिल माइना बैम्बू रिसोर्ट में, और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ना गाइस, ये है हिल माइना बीच कैंप। आप देख सकते हो पूरा बीच है ये। तो यहाँ अभी फिलहाल यहाँ तो ब्रह्मपुत्र का पानी भी आ जाता है ना, तो अभी तो पानी नहीं है, तो बोल के ये अभी बीच बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया, आपको दिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 4 बजने वाला है, और आप देख सकते हो मेरे पीछे सूरज भी ढलने वाला है। उससे पहले हम आपको दिखाएँगे बीच माइना जो रिसोर्ट है, वो बैम्बू रिसोर्ट, वो आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, क्योंकि आज भी मौसम बहुत अच्छा रखा है और सूरज भी ढलने वाला है, तो उससे पहले आपको मैं दिखाऊंगा अंदर का भी सीन। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी सारे एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो इस बीच में, जैसे झूला लगा हुआ है आपका, यहाँ 3-4 झूला लगा हुआ है, और इधर इस टाइप से टायर देख के मतलब ये अच्छा दिया हुआ है। आप यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप कर सकते हो। बाकी आप जगह देख सकते हो, पिकनिक स्पॉट लगा हुआ है, सब लोग अपना अपना पिकनिक कर रहे हैं। साउंड आप सुन रहे होंगे, म्यूजिक चल रहा है बहुत। तो यही सब कुछ है, ये अभी तो आपको हिल माइना बैम्बू रिसोर्ट दिखाना बाकी है। तो चलिए फटाफट चलते हैं उधर, और आपको वहाँ का भी नज़ारे दिखाते हैं। हिल माइना बीच कैंप जो है ना ये, और उनके ठीक अपोजिट साइड में इनका हिल माइना बैम्बू रिसोर्ट है। तो पहले मैंने ये आपको दिखा दिया, क्योंकि शाम होने के बाद आपको दिखा नहीं सकता था। तो अभी चलते हैं हिल माइना बैम्बू रिसोर्ट, अभी इधर है, आपको अंदर दिखाएंगे यहाँ क्या क्या है और क्या क्या एक्टिविटीज़ इधर होता है। तो सबसे पहले इनका 2 रास्ता है इधर आने का। हम लोग तो आए थे ये चंद्रपुर से, और यहाँ हमारे सामने सर खड़े हैं, तो ये ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। सर बताइए, जो ये चौनका एरिया है मायंग पीएस के अंदर में है, और जो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, यहाँ आने के लिए चंद्रपुर होके आ सकते हैं। गुवाहाटी से चंद्रपुर रोड होके मायंग पहुँचने के बाद ये लेफ्ट टर्न करके चंद्रपुर आ सकते हैं, मायंग चौनका में आ सकते हैं। और दूसरा रास्ता है जागी रोड होके, गुवाहाटी से सीधा जागी रोड, जागी रोड से मोरीगांव टाउन, मोरीगांव टाउन से होके मायंग पीएस के पास पीएस क्रॉस करने के बाद ही राइट टर्न करके चौनका तक आ सकता है। ओके, थैंक यू सर। सर आपका नाम भी बोल दीजिए। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर सुधन्य कुमार सेनापति। तो मेरे से ज़्यादा बेटर एड्रेस तो सर ने बता दिया। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। और गाइस, ये जो प्रॉपर्टी है ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और काफ़ी मतलब यहाँ आके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ आपका टोटल 7 कॉटेजेस है, और यहाँ जितने भी कॉटेजेस बनाए सब बैम्बू का बना हुआ है। तो रिसोर्ट का नाम ही है हिल माइना बैम्बू रिसोर्ट, तो यहाँ मेनली सब बैम्बू का ही यूज़ हुआ हुआ है। कॉटेजेस में भी आपका, आप देख सकते हो ये भी सब बैम्बू का बना हुआ है, आपको कॉटेज भी मैं दिखाऊंगा। तो हम लोग यहाँ आए थे गाइस, हम लोग आए थे करीबन 2:30 बजे, तो खाने के टाइम ही पहुँचे थे। तो आप यहाँ देख सकते हो इस टाइप का कैंप सब बनाया हुआ है छोटा छोटा, जिसमें आप बाहर भी खाना खा सकते हो, और उस तरफ आप देख रहे हो और रेस्टोरेंट है, अंदर भी खा सकते हो। तो आपको जैसा लगे, अच्छा लगे, अंदर खाना चाहिए तो आप अंदर खाइए, बाहर खाना चाहे तो बाहर भी खा सकते हो। यहाँ सर्विस भी आपको मिल जाता है, और पार्किंग का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत सारा पार्किंग है गाइस। और इस तरफ भी देख सकते हो इन लोग का पार्किंग लॉट है, तो वहाँ भी आप पार्किंग कर सकते हो। तो हम लोग ने यहाँ जैसे बोला कि हम लोग 2:30 बजे पहुँचे थे, तो लंच टाइम हो गया था, तो हम लोग ने लंच पहले किया। अभी फ़िलहाल गाइस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5 बजने को है, सनसेट होने वाला है। तो आपको फटाफट मैं दिखा दूंगा, नहीं तो अंधेरा होने से मैं आपको अच्छा से प्रॉपर्टी भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो
राजीव और सुमित तो नॉनवेज खाया था, नॉनवेज में था चिकन एंड फिश, तो इनसे पूछते हैं खाना कैसा था। बहुत बढ़िया। हाँ सही में ना, फ्री का खाना इसलिए अच्छा मत बोलना। तो इनके जो ओनर है उन लोग ने हम लोग को इनवाइट किया था, तो जस्ट ये मजाक कर रहा हूँ। तो खाना प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया था। अच्छा तारा खाना लगे कि हमारे अखमिया स्टाइलते बनाए मैंने बहुत भाई लगे। सुमित क्या हो, अच्छा था खाना? मतलब क्या जितना मसाला मतलब होता है ना सब्जी में, दूसरा ऐसा जोर से बोलो मिलता है मतलब नॉर्मली जितना मतलब ये मसाला होता है इसमें उससे कम था, तो ये अच्छा है, ये सेहत के लिए अच्छा है। तो हम लोग को अच्छा लगा खाना, नॉनवेज भी अच्छा था। आप लोगों ने अच्छा, ये हिंदी वासी के लिए हो रहा है एसएमएस में। अच्छा हाँ, मैंने बहुत टेस्टी आसले, मैंने जिखिनि मैंने परिमाण मसाला থাকিব লাগে এইখিনি পৰিমাণে আছিলে আৰু ইয়া বেছি মানে স্পাইসি নহয়, একদম স্পাইসি নহয়, অয়েলি নহয় বস্তু, আৰু মানে গেছৰ পৰা ভাল লাগে মানে বহুত। তো हम लोग यहां आए ना, तो हम लोग सोचा कि तंदूरी रोटी, चिली पनीर ये सब मिलेगा, लेकिन जब बुफे लगा हुआ था तो वहां था मतलब ट्रेडिशनल थाली था, राइस था, प्योर असमीज ट्रेडिशनल खाना था जो बहुत ही अच्छा था। तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या था? आलू। अच्छा हम लोग एकदम बेसिक खाया, बैंगन का पकोड़ा भी बहुत टेस्टी था, मेरा फेवरेट। तो थाली में एकदम नॉर्मल था, जैसे आपका राइस था, दाल था, और वेज में मैं बता देता हूँ पनीर का सब्जी था और मिक्स सब्जी था, और बैंगन का भरता था, और बैंगन का वो क्या था उसको क्या बोलते हैं, बैंगन का पकौड़ा, बैंगन भाजा, बैंगन भाजा नहीं नहीं उसको, और वो जो आप लोग खाया था राइस के आलू का भरता, आलू पिटिका, आलू पिटिका, आलू आलू का भरता था, आलू पिटिका बोलते हैं। तो एकदम सिंपल था, जैसे कि सुमी और राजीव बोला मसाला एकदम कम था, मतलब सब्जी में एकदम नॉर्मल, मतलब कोई हर एज के लिए एकदम परफेक्ट था ये खाना। तो खाना बहुत अच्छा है गाइस। अगर और भी यहाँ बहुत चीज़ मिलता है, तो हम लोग तो जो बुफे में था वो बता दिया। बाकी यहाँ कॉटेजेस का क्या चार्ज है और खाने पीने का क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। और सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले चलते हैं आपको कॉटेजेस दिखाता हूँ। इससे अच्छा बेटर यहाँ मेन्यू यहाँ है, तो सुमी पकड़ के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो मेन्यू क्या चार्जेस है। अफोर्डेबल है, अच्छा है प्राइजेस। तो प्राइस ज़्यादा महंगा नहीं है, रिजनेबल प्राइस है, तो वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा यहाँ। तो ज़रूर से यहाँ आइएगा एक बार, फैमिली के साथ आइए, टाइम स्पेंड करिए। तो चलिए चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल एक कॉटेज खुला हुआ है, तो इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा। तो गाइस जैसे ही पहुँचा तो ये जो कॉटेज खुला हुआ है, एक्चुअली ये ऑक्यूपाई किया हुआ है, कस्टमर का है, तो हम लोग ने परमिशन ले लिया है। तो आपको नॉर्मली मैं एक बार दिखा देता हूँ ओवरव्यू, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो कुछ सबसे पहले एंट्रेंस ऐसे ही है, तो ये भी पूरा वुडन का बना हुआ है, तो आपको एकदम रफ मिलेगा कुछ जैसा वुडन बैम्बू का। आपको अगर जितने भी कॉटेजेस देखा है उसमें टिपिकली जैसा रहता है वही आपको देखने को मिलेगा यहाँ। तो एंट्रेंस करते ही ऐसा कुछ है, जो बेड भी आपका जो बना हुआ है ये वुडन का है। तो यहाँ एक टेबल है, चेयर है, तो यहाँ रजाई तकिया सब दिया हुआ है, अभी सर्दी का मौसम है, और एसी भी लगा हुआ गाइस, और ऊपर आप फैन देख सकते हो, कंप्लीट बैम्बू का बना गाइस। इधर कुछ भी बाकी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम बेसिक है, और स्ट्रेट ग्लास आपको मिल जाएगा ड्रेसिंग होने के लिए। तो यहाँ बाथरूम है वो दिखा नहीं सकता, ऑलरेडी कोई अंदर है। तो और इनका खिड़की से कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा आपको, जो ज़रूरत का सामान है आपको सब यहाँ मिल जाएगा। तो बस ये कुछ है, तो ऑलमोस्ट सब जितने भी कॉटेजेस है सब सेम है, एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं है। बहुत देर से मैं शूट कर रहा था तो ये देख रहा था, क्या नाम है बताओ? नयन शर्मा। कहाँ से आए हो? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से, अच्छा, और कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा। फैमिली के साथ आया? हाँ। क्या क्या खाया यहाँ बताओ? खाया। क्या खाया? याद नहीं आ रहा है। पास्ता, ओहो, अच्छा, केक, ओके, पूरी, जलेबी, हलवा। ओहो, तो गाइज ये सब भी मिलता है, हम लोग तो ये सब नहीं खाया, हम लोग तो नॉर्मल खाया। अच्छा डांस भी करता है क्या? हाँ तो डांस करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ, 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 डांस करो, ओके करो, सब मिल के करो, किस किस को आता है डांस? कमरिया, हाय हाय हाय, रेडी, आज करो, पहले कमरिया को हाय हाय।
देखो बैटरी डाउन हो जाएगा इतना जल्दी। मैं लगूंगा साथ में। यस स्पीड कस्टम, स्पीड कस्टम। ओके सर, बहुत बढ़िया बेटा। सब आ गया ब्लॉग में भाई। एक जो सर है थोड़े बिजी हो रखे हैं, आप समझ सकते हो। आज एक तारीख है तो बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ है, तो उसके कारण टाइम नहीं दे पा रहे। तो जो यहाँ के जो मैनेजर है उनसे मेरा मिलना हो गया, तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शंकर है। तो सबसे पहले बताइए यहाँ का जो कॉटेजेस है, यहाँ 7 कॉटेज है टोटल। हाँ बिल्कुल। तो इनका कॉटेजेस का क्या चार्ज है? हम लोग का कॉटेज का 5000 है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। अच्छा, उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ऑफ सीजन में आ सकते हैं क्योंकि हम लोग का एसी भी है। अच्छा, कॉटेज में एसी लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और ऑफ टाइम में क्या आपका क्या चार्ज रहता है, मतलब जनरली? जनरली हम लोग का एसी का प्राइस 4000 रेट है, नॉन एसी का 3000 ऑफ सीजन में। ओके, अच्छा एसी नॉन एसी का भी इसमें भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। बाकी तो खाना अवेलेबल मिल जाएगा, चाइनीज, इंडियन एंड तंदूर तीनों मिल जाएगा। तो यहाँ आपको चाइनीज, इंडियन एंड तंदूर तो चाइनीज, इंडियन एंड तंदूर तीनों मिल जाएगा। बाकी चीज़ तो हम लोग ने ट्राई नहीं किया तो इसलिए बोल नहीं सकते हैं। तो कभी नेक्स्ट टाइम अगर फिर से विजिट करना होगा तो हम लोग और वैरायटी ऑफ आइटम्स खाएंगे, तब मैं आपको बता पाऊंगा। तो फिलहाल जितना चीज़ खाया बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ देखा बंदर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? बंदर बहुत ज़्यादा है। हाँ? लेकिन अभी तो नहीं, सुबह तो बहुत होता है। तो यहाँ जैसे आपका छोटा छोटा जो कैंप लगा हुआ है ये, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो यहाँ देखा तो यहाँ तो बंदर आ जाता है। बिल्कुल, तो ये तो बंदर तो आ जाएगा ना। अच्छा, आदमी रहेगा तो कैसे बंदर आ जाएगा? तो ये दिक्कत नहीं करता अगर कोई खाना खा रहा है तो? कोई दिक्कत नहीं करता। आप लोग खुद होशियार होना चाहिए क्योंकि उसके साथ जो झगड़ा करने के लिए जाएगा तकलीफ तो देगा ना। गाइस, पूरा चारों तरफ आपको पहाड़ मिल जाएगा। अच्छा, पत्थर यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर सब है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है यहाँ। और शाम का टाइम तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको जब यह पूरा लाइटिंग हो जाता है। अच्छा, ये आपका जो बीच कैंप है जो उस साइड में, तो यहाँ कैंपिंग वगैरह हो जाएगा? ओके, कैंपिंग हम लोग का, तो यहाँ वहाँ कैंपिंग कर सकते हैं ना? या आप बीच साइड का हम लोग का कैंपिंग भी है, इधर का जो सही है तो इधर भी मिल जाएगा कैंप। कैंपिंग का चार्ज हम लोग का ओनली 12, डिनर इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट ओनली 1200, 1200 रुपये। हाँ, उसमें आपका पर हेड यस। और उसमें कुछ इंक्लूड है कॉम्प्लीमेंट? ब्रेकफास्ट भी है, डिनर भी है, दोनों है। और डिस्क्रिप्शन में मैं भैया का नंबर भी डाल दूंगा और सर का भी नंबर डाल दूंगा, अगर आपको कुछ भी इंक्वायरीज और भी है, कुछ पूछना भी है तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू भैया, वेलकम सर। सो गाइज, आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से हिल माइना बेंबू रिसोर्ट आइएगा। अभी फिलहाल आप देखिए लाइटिंग काफ़ी अच्छा हो गया, और जैसे जैसे अंधेरा होगा और लाइटिंग बढ़िया होने वाला है, तब तक हम लोग निकल जाएंगे। और जाने से पहले आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये जो साल है आपके लिए बहुत अच्छा हो, जो भी आप लोग का विश है पूरा होना चाहिए। मेरा भी एक विश है, पूरा हो जाना चाहिए। बहुत से ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रहे। होगा। तो आई होप जल्दी से पूरा हो जाए। तो गाइज, अब निकलते हैं। आप जरूर से इधर आइएगा, एक बार विजिट करिएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है, रिसोर्ट बहुत बढ़िया है। ये फैमिली के साथ आइए, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा चैनल का नाम बोलेगा तो यहाँ कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छा लगा है तो डू लाइक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, गुड बाय।